नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, आजकल जिस हिसाब से गाड़ियों में डैश कैम्स लग रहे हैं, उसी हिसाब से रोड रेजेस की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, या फिर ये कहना सही होगा कि अब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कुछ एक दो साल पहले की बात करें तो गिने चुने गाड़ियों में डैश कैम्स लगे होते थे, और उन गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ जब कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट होता था तब उसका वीडियो बाहर आता था। बाकी जिनके गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं होते थे उनकी चीजें दब जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं डैश कैम्स को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, इसलिए आजकल ज्यादा इंसिडेंट्स भी बाहर आ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने बिहार वाला रोड रेज तो देखा ही होगा, जिसे चैनल पर डाला गया था। हालांकि आज के टाइम पर ये वीडियो काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया है और इंडिया के लगभग सभी लोग इसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर डैश कैम का बहुत बड़ा रोल था चीजों को बाहर लाने में। अगर ये ना होता तो चाहे जो हो जाए लोग उतना ध्यान ही ना देते, और आज फिर से वैसे ही रोड रेज टाइप वाले वीडियोस आप चैनल पर देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट सोशल मीडिया पर काफी जगह शेयर किया गया है, जो रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलोर में रिकॉर्ड हुआ है। इसका पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए। अभी हम सीधा सोसाइटी में चलते हैं। ना 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 नहीं 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 यहाँ पर डैश कैम कार के ओनर ने बताया कि वो अपने वाइफ के साथ रात में करीब 9 से 10 के बीच सरजापुर रोड से होते हुए जा रहे थे, तभी कुछ लोग उनके गाड़ी के पीछे लग गए और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि ये चीजें क्यों और कहां से स्टार्ट हुई उसकी कोई एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद ऐसा बताया जा रहा कि कोई रीजन नहीं था इन सबके पीछे, ऐसा ही कार वालों को परेशान किया जा रहा था। और ये चीजें आए दिन होती भी रहती हैं। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले एक लेडी को कुछ लोग ऐसे ही परेशान कर रहे थे और वो उनसे बचकर भाग रही थी। सेम सिचुएशन इस जगह भी क्रिएट हुआ है। बताया जा रहा है ये करीब 4 लोग थे और इनके पास 3 व्हीकल्स भी थी, स्कूटी बाइक वगैरह मिलाकर। और आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं किस तरह से ये सभी गालियां देते हुए कार ड्राइवर को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन करो पुलिस 100 नंबर पे करो। और इन्होंने ये चीज करीब 15 से 20 मिनट तक किया, लेकिन ड्राइवर रुक नहीं रहे थे, ये किसी ना किसी तरह अपने गाड़ी को इनसे बचा कर निकाल ले रहे थे। और एक जगह पर तो कार के आगे ये ऑयल टैंकर भी आ गया था, जिसके ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी को राइट घुमा दिया। अब इसके ड्राइवर को टर्न लेना था या इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया वो क्लियरली नहीं बोल सकते। खैर, एक जगह पर इस आदमी ने गाड़ी को रुकवाया और कार के विंडो पर अटैक भी करने लगा, जिससे साफ पता चलता है ये लोग कार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइमली पुलिस को कॉल कर दिया गया था इसलिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। और पुलिस वालों ने ड्राइवर को इस जगह काफी सपोर्ट भी किया और वो लोग इनको घर तक भी छोड़ कर आए। खैर भाई, ये कैसे हुआ क्यों हुआ क्लियर ना पता होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हुआ है एकदम गलत है, ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसे हैदराबाद से मिस्टर अभिनव जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से हैदराबाद से गोवा या फिर गोवा से हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में कर्नाटका के बॉर्डर पर एक जगह पड़ता है संकेश्वर करके, वहाँ पर इनके गाड़ी को कुछ लोग रुकवाने की कोशिश करने लगे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं सड़क पूरी तरह से खाली है, आसपास कोई भी दिख नहीं रहा है, और जब गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है तो यहाँ पर कुछ 8-10 लोग खड़े होते हैं जिनके हाथ में लकड़ियाँ वगैरह रहती हैं और ये कार को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभिनव जी यहाँ पर गाड़ी को रोकते नहीं है और ये स्पीड बढ़ाकर निकल जाते हैं, जिसके बाद इनमें से कोई लड़का शायद कार को हिट भी करता है।
अब ये लोग ऐसे बीच सड़क पर क्यों खड़े हुए थे और गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश क्यों कर रहे थे वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अभिनव जी ने बताया कि ये लोग शायद लूटने के फिराक में थे। गाड़ियां ये लोग ऐसे रुकवाते हैं और लोगों से पैसे वगैरह लूट लेते हैं। और ये चीज सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ था, इन्होंने बताया कि आगे भी ऐसी घटनाएं हुई। एक जगह पर तो आप वीडियो में देख भी सकते हैं, कुछ लड़के रोड के किनारे खड़े हुए हैं, हालांकि जब गाड़ी तेजी से उनके पास गई है तो ये वहां से भाग गए हैं। इसके अलावा कुछ और गाड़ियों के ड्राइवर्स ने भी इनसे बताया कि ये लोग लूटने की ही कोशिश कर रहे थे। खैर ये सब सुनकर अभिनव जी ने पुलिस को कॉल किया, हालांकि पहले कुछ देर तक उनका कॉल लग नहीं रहा था या फिर उठ नहीं रहा था, और जब कॉल उठा भी तो वो काफी देर में पहुंचे। और इसका भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये इनोवा से जो पुलिस वाले चल रहे हैं अभिनव जी ने ही कॉल करके बुलाया था। खैर जब तक पुलिस वाले स्पॉट पर पहुंचे तब तक लड़के वहां से भागकर छुप चुके थे। शायद उन्होंने पुलिस वाले गाड़ी की लाइट देख ली थी, जिस वजह से इनको दूर से पता चल गया और ये टाइमली निकल लिए। हालांकि एक लड़का वहां पर पकड़ा गया था, लेकिन उसने बाद में बोला कि मैं इनके साथ नहीं था, मेरा दुकान वगैरह है। और उसने ये भी बताया कि ये लोग ऐसे ही लूटपाट करते हैं और आपको काफी दूर तक ऐसे लोग मिलते रहेंगे। खैर यहां पर पुलिस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया, इन लोगों ने मामले को लाइटली लेकर छोड़ दिया। लेकिन भाई वाकई में ये काफी ज्यादा सीरियस चीजें हैं, पुलिस को इस पर कायदे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे जबरदस्ती रास्ते में गाड़ी रुकवा कर और उनसे पैसे लूट लेना कहां तक सही है, जब चीजें सबको पता है कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। बाकी अभिनव जी ने बताया कि यह हैदराबाद से गोवा जाने वाला एक नया रोड है जो अभी रिसेंटली बना है, और इस रोड से गोवा की डिस्टेंस काफी कम पड़ती है, इसलिए ज्यादातर लोग इस रोड का यूज कर रहे हैं। और भाई जाहिर सी बात है जब लोग दूर तक ट्रेवल करेंगे तो उनको आने जाने में रात तो हो ही जाएगा, और उसी चीज का फायदा शायद ये लोग उठा रहे हैं। खैर यहाँ पर जो भी है पुलिस वालों को कायदे से देखना चाहिए और ऐसी चीजें बंद करवानी चाहिए ताकि और कोई जो इस रोड पर चल रहा है वो परेशान ना हो पाए। बाकी भाई इस रोड पर ट्रेवल करने वाले कोशिश करें कि वो दिन में ही निकल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, रात वाला रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको रात में ट्रेवल करना है तो आप कोई दूसरी रोड ले लीजिए, चाहे वो थोड़ा सा लंबा ही क्यों ना पड़े, एटलीस्ट वो सेफ तो रहेगा। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।